हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिग बॉस सीजन 13 का जब से आगाज हुआ है तभी से शो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं शो में अगर कोई सबसे ज्यादा अभी तक लाइमलाइट लूटने में कामयाब हुआ है तो वो है कैसनोवा पारस छाबड़ा। देखा जाए तो पारस ही इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो सबके साथ बना कर भी रख रहे हैं और साथ ही साथ गेम भी बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। शो में शहनाज कौर गिल को तो वो पहले से ही दीवाना कर चुके हैं। वहीं माहिरा शर्मा, आरती सिंह के साथ भी वो खूब दोस्ती निभाने में लगे हुए हैं। वहीं हाल ही में पारस छाबड़ा की गर्लफ्रेंड रह चुकी सारा खान से जब पारस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। सबसे पहले तो सारा ने कहा कि मैं उन्हें सिर्फ ऑल दी बेस्ट कहना चाहूंगी। बिग बॉस शानदार शो है, यहाँ पर लोग झूठी बातों और प्लॉटिंग प्लानिंग से आगे नहीं बढ़ पाते, आपको सिर्फ रियल रहना होता है। वहीं इसके अलावा जब सारा से इस घर में आए लोगों के बीच बनने वाले कनेक्शन की बात छिड़ी गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा होना लाजमी है, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप एक घर में लंबे समय के लिए बंद हैं और ना तो आपके पास मोबाइल है और ना ही टीवी और इंटरनेट। आप ये बात जरूर मानेंगे कि कभी कभी एक घंटे में ही आप किसी को पसंद करने लग जाते हैं, वहीं कभी कभी तो सालों तक जानने के लिए भी आप सिर्फ और सिर्फ जूझते ही रहते हैं। वैसे आपको बता दें, सारा भी बिग बॉस का हिस्सा बन चुकी हैं। आपको याद हो तो बिग बॉस 4 में वो नजर आई थी और उन्होंने घर के अंदर ही अपने बॉयफ्रेंड अली मर्चेंट से शादी की थी, लेकिन अफसोस दोनों का रिश्ता आगे जाकर टूट गया था। वहीं इसके बाद पारस छाबड़ा ने भी सारा की लाइफ में एंट्री मारी थी, लेकिन दोनों का रिश्ता भी कुछ समय के बाद टूट गया था। वैसे बात करें बिग बॉस 13 की तो इस बार दलजीत कौर, कोइना मित्रा, रश्मि देसाई और शहनाज कौर गिल घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। वैसे आप इन कंटेस्टेंट्स में से किसे बचाना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।